नमस्कार, मैं हूं आचार्य भूषण कौशल। मेरे साथ आप एस्ट्रो तक देख रहे हैं। एस्ट्रो तक में आज मैं बताने जा रहा हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, वह है चंद्र ग्रहण। 16 जुलाई मंगलवार को आधी रात को शुरू होने वाला ये ग्रहण 17 जुलाई बुधवार तक चलेगा, 3:30 बजे सुबह तक। लाखों लोग इस ग्रहण को देखेंगे, देखना कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है, बहुत ही ठीक है, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। भोले शंकर की आराधना करें, जो पूजा पाठ करते हैं उनके लिए ग्रहण कोई नुकसान देने वाला नहीं है। तो चलिए हम भी कुछ ऐसी ही लाभ की बात करते हैं, क्योंकि एस्ट्रो तक बहुत लोग देखते हैं, कितने लाखों लोग देखते हैं एस्ट्रो तक और उसका लाभ उठाते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ग्रहण के दौरान 5 उपाय आपको करेगा माला माल, धन तिजोरी से भरेगी और आपका जीवन सुखी हो जाए। 5 उपाय ग्रहण की रात को कौन सी है? पहले सावधानियां बरतनी है, मंदिर ढक देना है, खाना कुछ नहीं है, भगवान का जाप करना है, सब कुछ अच्छा करना है, प्यार से बोलना है, खाने पीने की चीज़ों पे कूसा या तुलसी पत्ते डाल के रखने हैं। सावधानियां तो बरतनी पड़ेगी और पूरा सूतक लगेगा हिंदुस्तान में, भारत में। सूतक जो है उसका जो उपाय करना है वो सब सूतक का उपाय करेंगे। गर्भवती महिलाओं को सावधान रहना है, चंद्र ग्रहण को नहीं देखना है, मिट्टी उट्टी लेप लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो सूर्य ग्रहण में लगाया जाता है। और चंद्रमा का जो सूतक है चंद्र ग्रहण का, वो 9 घंटे का होता है। पहले सूर्य ग्रहण का हुआ अगर कभी तो 12 घंटे का होता है, और चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे का होता है। तो ये है, सूतक लगेगा जरूर हिंदुस्तान में, इसका उपाय करना पड़ेगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी। लेकिन 5 कौन से उपाय हैं जो आपको मालामाल करेंगे, धन देंगे, ऐश्वर्य देंगे, नाम देंगे, यश मान सम्मान देंगे? पहला उपाय, आपको उस दिन 9 बजे से सूतक लगेगा, 9 बजे से सुबह स्नान कर लीजिए, गंगा जल डाल के स्नान करें, और एक चांदी का सिक्का, और नहीं उपलब्ध हो सकता है तो कोई भी सिक्का, आजकल 5-10 के खूबसूरत सिक्के आ गए हैं, 20 रुपए का सिक्का भी आ गया है, वो सिक्का आपको गंगा जल में धो करके उसकी पूजा पाठ करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे, ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करेंगे, धूप दिखाएंगे, प्रसाद उस पर लगा के चढ़ाएंगे, चीनी का, बताशे का, कुछ भी, और उसको लेकर के लाल कपड़े में बांध करके और तिजोरी में रख दीजिए। अब देखिए ग्रहण के बाद आपके नौकरी व्यापार में कितनी तरक्की होती है, कितना धन लाभ होता है, बहुत अच्छा, सैलरी बढ़ जाएगी। बात करते हैं दूसरे उपाय की, 5 उपाय बता रहा हूँ सरल सरल, ये नहीं कि 5ों करने हैं, इसमें से 1, 2, 3 जितने कर सकते हैं। 5वां उपाय है, अब आखिरी में बताऊंगा 5वां उपाय, लेकिन दूसरा उपाय है कि आप सबों के घर में सफेद चंदन तो होता ही है। ग्रहण काल में जब रात को 11:30 के बाद ग्रहण लगता है, माथे पर त्रिपुंड चंदन लगाना है, ये 3 उंगली से चंदन घोल करके लगा करके ऐसे लगा के रखें, ये शंकर जी का त्रिपुंड है ना, हाँ, तो आपको बहुत लाभ होगा, धन बहुत मिलेगा, मालामाल हो जाएंगे। पूरे ग्रहण काल में रात को सोना भी हो तो ऐसे ही चंदन लगा के, चंदन तो सूख जाता है, चिपक जाता है, कोई नुकसान नहीं करता, कपड़े खराब नहीं होते, लगा के सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा उपाय आपने क्या करना है,
बेल पत्र पहले से जुगाड़ करके रखिए और दही ले लीजिए। दही पर दही लेकर के बेल पत्र पर आपको 18 बेल पत्र पर शिव शिव लिखना है, शिव शिव शिव, और रख लीजिए। रख करके ग्रहण काल में अगर इन यानी बुधवार को जब ग्रहण खत्म हो जाएगा, स्नान तो करना ही है, शिव मंदिर भी जाना है, जा करके बेलपत्र शिव जी को चढ़ा के आ जाइए और कामना करके आइए कि बहुत सारा धन लाभ हो। अब देखिए धन लाभ होगा। चौथा उपाय, चौथा उपाय क्या है? चौथा उपाय यह है कि चूंकि मंगलवार को ग्रहण लग रहा है, बुधवार को खत्म हो रहा है, मंगलकारी है, तो मंगल जो है वो इंपॉर्टेंट है, बुध ग्रह भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मंगल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मंगल के लिए आपने क्या करना है? तो रात में हनुमान चालीसा का पाठ करिए जरूर, और हनुमान जी के नाम पर लड्डू का प्रसाद चढ़ा के रखिए। अब चढ़ा मंदिर खोल के नहीं चढ़ाना है, मंदिर भी नहीं जाना है, बस हनुमान जी के नाम पे लड्डू रख लीजिए। अगले दिन जाकर के स्नान स्नान करके चढ़ा के आइएगा और हनुमान जी से प्रार्थना करिएगा जो भी आप काम करते हो उसमें खूब बरकत दे, खूब तरक्की हो। आप देखिए चमत्कार। और नहाने के बाद लाल सिंदूर का तिलक लगाइएगा, मंगल कामना कीजिए। पांचवा उपाय, देखिए पांचवा उपाय बहुत ही सरल उपाय है, हर कोई कर सकता है, सभी राशि के लोग कर सकते हैं। हाँ ये बता दूं कि जितने भी उपाय मैंने बताए हैं ये सभी राशि के लोग कर सकते हैं, कोई चिंता की बात। तो पांचवा उपाय क्या है? पांचवा उपाय ये है कि आपने दान करना है। ग्रहण खत्म होने के बाद गुड़ ले लेंगे, गुड़ की 5 भेलियां ले लेंगे, माने 5 टुकड़े, और पांचों जो है आप रख लेंगे और अपना जैसे भी जाप वाप करना है सब करके अगले दिन सुबह जो है गुड़ के 5 भेलियों को, गाय मिल जाए तो 1 भेली खिला दीजिए, 1 मंदिर में चढ़ा दीजिए, 1 किसी व्यक्ति को दान कर दीजिए, 1 किसी गरीब आदमी को दान कर दीजिए। और 1 मेहनत करने वाले मेहनत कश को, मजदूर हो, रिक्शा वाला, किसी को दान कर दीजिए, साथ में कुछ पैसे भी दान करिए, करके आ जाइए। आप देखिए 15 दिन के अंदर उसका चमत्कार आपको दिखाई देगा, मालामाल हो जाएंगे, धन आएगा, यश आएगा, सम्मान बढ़ेगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा और आपका जीवन सुखी होना शुरू हो जाएगा। ये ग्रहण अच्छा क्यों है? क्योंकि यह अच्छा इसलिए है क्योंकि यह बहुत मंगलकारी है, मंगलवार को लग रहा है, बुध तक चलेगा, चंद्रमा धन की राशि धनु राशि में है, उसका स्वामी गुरु होता है, गुरु अच्छा शुभ चल रहा है, इससे लाभकारी है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये 5 उपाय करें आपको बहुत धन लाभ होगा। और मुझे दें इजाजत, नमस्कार, राम राम।